हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे अदानी व्यूमर के बारे में, जो कि आज उसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया था बट फिर से रिकवर होकर ऊपर चला गया। नहीं तो आज ही 600 के नीचे अगर क्लोजिंग देता तो इसका नेक्स्ट टारगेट रहता था 570 या 540, जो कि आज अगर आप देखोगे तो 595 तक लो चला गया था और हाई लगाया था 621 का एंड क्लोजिंग दिया है 617 का, जो कि फिर भी 1% डाउन ही हुआ है। आज मार्केट में थोड़ा वीकनेस भी था, मार्केट एक साइडवेज ही जा रहा है। और इसने अदानी व्यूमर के कंपनी ने डिक्लेयर किए थे कि ऑयल के रेट उन्होंने घटाए हैं एमआरपी, जिसके कारण भी थोड़ा उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है शेयर पर, क्योंकि रेट घटाने पड़ेंगे तो मार्जिन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी थोड़ा निगेटिवली मार्केट ने लिया है, उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। आज NSE पर 8,30,000 शेयर्स ट्रेड हुए और BSE पे अराउंड 80,000, सो ऑल टुगेदर अराउंड 9 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि वॉल्यूम कम ही कहाँ जाएगा। और फ्रेंड्स, आज 595 तक चला गया था तो 600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 570 का, उसको भी ब्रेक करता है तो हो जाएगा 540 का। और अगर 600 को मेंटेन कर ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 640 का, उसके बाद में है 660 का और उसके बाद में 700। तो अभी मार्केट अगर वीक रहा तो एक बार 600 ब्रेक करके 570 तक भी जा सकता है, और अगर मार्केट स्ट्रांग रहा तो फिर से कोशिश करेगा 640 को टच करने का। ओवरऑल देखा जाए तो अभी 600 को ब्रेक करता है तो रुक जाइए, 600 से बाउंस करेगा तो ही न्यू एंट्री करना बनता है। नहीं तो जो लोग प्रॉफिट में है अभी, जिन्होंने लिया होगा 540 में या उससे कम में, तो थोड़ा बहुत शेयर बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में गिरावट होगी तो वो नीचे भी जा सकता है। और क्वार्टर वन के नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अगर बहुत अच्छे आए तो फिर से रॉकेट बनेगा, और अगर वो अच्छे नहीं आए तो एक बार हो सकता है 540 को भी टच करने के लिए अदानी व्यूमर का शेयर जाए। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा तो बुक करते रहिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा थोड़ा वेट कीजिए, 540 तक भी जा सकता है या 570, थोड़ा थोड़ा शेयर बाय करना शुरू कीजिए, एक लॉट में कभी भी बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में अगर क्रैश आया तो अदानी व्यूमर का शेयर भी गिरेगा, जब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। और अगर तेजी रहा फिर भी थोड़े थोड़े शेयर बाय करके ही चलिए, बहुत ज़्यादा बल्क में बाय नहीं करना है, क्वांटिटी में बाय करना है तो क्वार्टर वन के रिजल्ट तक रुक जाइए, उसमें रिजल्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी आया तभी क्वांटिटी में बाय करना, नहीं तो बाद में फंसने जैसे काम हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।